मोदी की मतलब झूठा है, है एक प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोला है सारी झूठ बोल बोलकर सत्ता में आया था जनता ने दो बार देख लिया यू दस साल में भाई झूठा प्रधानमंत्री तो है सारी जनता किसान क्यों नहीं आ सकता दिल्ली में ये क्या रोक है ये चोर से सबसे ज्यादा किसान मोदी सरकार ने तो मारे है गोली गल्ला है आसू कैस गल साढ़े सात सौ किसान मारे पहली मारे इसने बाराई मार दिए यारेरा कितने बालक की किसाना की जिंदगी खराब कर दी किसी की आंख फूट रही है किसी की टांग टूट है सबसे ज्यादा किसान मोदी सरकार ने मारे हैं यू बढ़िया काम किसान खत्म करने करना मोदी ने बात है राम मंदिर के इसने इसका बाप के रुपया का बना दिया जनता के रुपया पर राम मंदिर बनिया है भी इसका और तो कोई ऑप्शन नहीं इसने राम मंदिर का बहाना ले लिया है ये तो एक अपनी वोटा की राजनीति करने खातर है ई भी इसने मौके के ऊपर राम मंदिर पूरा नहीं हो रहा और उद्घाटन पहली कर दिया जात पात का नारा लाए दे जात पात पर लड़ा दे है भाई कितने हिंदू मुस्लिम है नॉन जाट जाट मतलब इसका कम में यू है नमस्कार मैं नूर और आप देख रहे हैं जनित आवाज जिस तरीके से किसान आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका है आप लोगों को पता ही होगा किसान आंदोलन किसान आंदोलन 2.0 जिसका नाम दिया गया था उसके बाद किसानों ने बेहद कोशिशें करी थी दिल्ली आने की लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राकेश टिकैत के कॉल के बाद किसान जो है 14 मार्च यानी कल जो है रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं उसके बाद हमारे साथ एक किसान महिला मौजूद हैं मैम क्या कहेंगे इस चीज़ पे किसान जो है आ रहे हैं दो हजार बीस में हमारा आंदोलन चलया तेरा भी ने उसमें जब हमारी मांग इसने काले कानून तो कह दिया था कि मैं रद्द कर दूंगा अरे एमएसपी पर तारा कानून बनाए दूंगा कमेटी बनाए दूंगा जब मोदी ने हाँ भरी थी फिर मोदी यहाँ भर कर इट गया किसान ने तो डेढ़ साल वाट देखी हमारी मांग पहलिया की रह रही है तो इसलिए हमने बेबे दोबारा डेढ़ साल वाट देखकर हमने दोबारा आंदोलन करना पड़ा मोदी की मतलब झूठा है एक प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोला है हाँ. और जब भी वो सत्ता में आया था जब भी का था 2022 में मैं किसाना की आय दुगनी करूंगा हुँ. और एमएसपी पर कानून लागू करूँगा स्वामीनाथ की रिपोर्ट बनाऊँगा पंद्रह पंद्रह लाख रुपये खात्यागेरूँगा और दो करोड़ साल में बच्चा ने नौकरी दूँगा पंद्रह पंद्रह लाख मतलब में कोई बनया है को सारी झूठ बोल बोलकर सत्ता में आया था यू जनता ने दो बार देख लिया यू दस साल में भाई यू झूठा इसका मंत्री और तो कोई ऑप्शन रह नहीं इसने राम मंदिर का बानना ले लिया अक भाई मोदी राम लिया राम जाकर रहा था राम तो अड़े है राम तो सबका मित्र है कण कण मै राम है अ हाँ। तो यू बहाना लेकर अक भाई जनता न्यून बुका दो जात पात लड़ा जो राम मंदिर बनवाया उससे तो खुश नजर आ रही है ना सुनो मेरी बात है राम मंदिर के इसने इसका बाप के रुपया का बना दिया जनता के रुपया पर राम मंदिर बनिया है जनता के लिए ही बना है वो जनता के लिए बनया है ओ इसने बड़ा बड्डा बना दिया पहली छोटे मंदिर थे हाँ। राम के मंदिर तो हर उसमें से है फिर उसमें कौन सा राम अलग आ गया राम तो सदाई है है हैं ये तो एक अपनी वोटा की राजनीति करने खातर है ई विष्ण मौका के ऊपर राम मंदिर पूरा नहीं हो रहा और उद्घाटन पाली कर दिया और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का उद्घाटन कराया कर रहे हैं ये मतलब वो करा कर रहे हैं बाबे इन का तो जो इनकी पूजा करे मंदिरा में रवेंगे इसका क्या मतलब था ये अपने बोटा की पक्की करा था जनता इसने सब देख लिया जनता नहीं भी हो ये बिस्टि कोई नहीं चल लगी क्या जात पात का नारा लाए दे है जात पात पर पा लड़ाई दे है भाई कितने हिंदू मुस्लिम किते, किते नॉन जाट जाट हुँ। हुँ। मतलब इसका में यूं है हाँ। एक तो जनता ने जोड़ा हूँ जनता ने पाड़ा है जिस दिन का आया है यू ये भी इसकी कोई जनता इसकी जनता के लिए कोई काम नहीं करा है। नहीं कर दर दर के बाद कह तो रहे हैं तो किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम जो है भाजपा सरकार ने ही करा है मोदी ने ही करा है सबसे ज्यादा किसान मोदी सरकार ने तो मारे है गोली गल्ला है आसू का इस है किसान मारे पहली मारे इसने बारह मार दिए हाँ। और केरा कितने की किसाना की जिंदगी खराब कर दी किसी की आंख फूट रही है किसी की टांग टूट रही है सबसे ज्यादा किसान मोदी सरकार ने मारे हैं यू बढ़िया काम किसान खत्म करने कर मोदी ने किसान खत्म हाँ। करना चाहते हैं मोदी हाँ मोदी मतलब खत्म मोदी हर एक ने एक पूंजीपतिया ने छोड़ कर आम जनता ने मोदी खत्म करना चाह है सारिये जनता ही उन्हें वोट देती ये उन्हीं को खत्म कर देंगे क्या जनता वोट नहीं इसने। इलेक्शन हाँ। हाँ। नहीं होने देंगे यू। हमारा यू जेंडा है गांव गांव में जाकर जितने हमारे किसान सही दौरे हैं उनकी फोटो ला कर गांव गांव में जाकर नुक भाई इनका विरोध करो इन गम मा में निबड़न देना है और ना इनके वोट देने हैं और ना जो ईवीएम लेकर जावेंगे नाराजन हाँ। ना हमारे गम्मा में ही गांव गाँव गाँव जाके ये बोलेंगी लेकिन हाँ। जो है जनता के दिल में राज करते हैं मोदी जी तो क्या जनता मानेगी कोई जनता का दिल में राज नहीं कर दे ये तो या गोदी मीडिया है न बेकाऊ मीडिया हाँ. यह दिखा रही है हमने नौ सात महीने पैदल यात्रा करिए गांव गांव में एक एक आदमी तो मिले हम कल आप लोग हाँ. आ पाएंगे आप ये बताइए कि कल जो है रोक लिया जाएगा पहले से ही बैरिगेटिंग हो जाएगी हाँ पाली खट्टर ने देखो रहा की शंभू बॉर्डर पर हाँ. खनौरी बॉर्डर पर इन मतलब किसाना का जाइए भला कर तो किसान इन दिल्ली में किसान नहीं आ

अरे पूंजीपतिया का इन पांच पाँच लाख करोड़ कर दिया इन किसान का तो इतना कह रहे किसानों के लिए जितनी नीतियां लाए थे सब सफल हुई है किसानों का कर्जा भी माफ किया गया है महाराष्यामी बैठ कर एक मोदी कुर्सी में हमी बैठ कर न्यू बता दो हमने यह बढ़िया तारी नीति करी है ये तो मीडिया वाले बकाव है, जो तो है न जो जनता ने हमने तो बेरा है ना हमारा के कराया हमारा नहीं कर कुछ भी पहली पचास किलो का खार का कट्टा होया कर दा उसका तो पैंतालीस किलो का कर दिया पैंतालीस किलो का कर दिया रेट हो का हो निकली बीज मतलब इसका जड़ा तो भी चाल रही है ना किसान ने खत्म करना जनता ने गरीब तो जो गरीब थे ना वो गरीब तो गरीब होंगे आ रहे हैं आके भाई थोड़ी जनता रह जाएगी तो जनता पर राज करिए ये सब खत्म हो जाएंगे आम ने लोकतंत्र इसने खत्म कर दिया जमा और किसान मजदूर लोकतंत्र को बचा के रखा हुआ है उन्होंने उती खत्म कर दिया हाँ। उसने मोदी ने ख़त्म कर दिया जो मोदी का राज में जितने घुटाले जो ज, मतलब इसने सब कुछ बेच दिया भारत में थे कोई भी चीज़ इसे नहीं छोड़ दिया भाई भारत में यह चीज़ सरकारी है हाँ। किसी बालक की नौकरी नहीं रोजगार नहीं हाँ। इसने मतलब सारा देश खत्म कर दिया सबको नागरिकता दे रहे हैं नागरिकता कानून के तहत सीए न, ले आए हैं कुछ नहीं दे रहे मै के लग रही गोदी मीडिया की चाल है या हाँ। किसे तो कुछ नहीं दे रहा क्या ये देख देनी यूट्यूब पर वीडियो लग रही के कॉलोनी की कॉलोनी खत्म कराने लग रहे कर यूपी में हाँ। वो गरीब आदमी रोन लग रहे है रोड का ऊपर आकर हमारा घर फोड़ दिए अरे जो आदमी ये घर आए मत मतलब बने बनाए घर फोड़ देगा उन बच्चा ने बाहर काट देगा वो किसका भला कर देगा ये किसे के नहीं लोग हैं बाबे हैं बाब्या का राज से और यू देश बाब्या का हाथ में दे दिया यू तो तो देश बचाया जाओ तो लोग हम तो नुक जनता ने सारे इकट्ठे होकर एक बार अपना देश ने बचा लियो और तो फिर सारा हो तो ही हो जाएगा सब तुम्हारी तो यही अपील है बेबी देखा उन्होंने किस तरीके से जो है ये कि किसान महिला बोल रही हैं कि हम लोग गांव गांव जाके जो है जनता को दिखाएंगे और विरोध करेंगे मोदी का साफ तौर पर सीधे तौर पर ये बोल रही हूँ कि, कि किसानों की आज तक जो बोलते रहते किसानों के लिए समर्पित सरकार वो आज इन महिला ने साबित कर है कि कोई किसानों के लिए समर्पित सरकार नहीं है किसानों के हित में कोई काम नहीं करती है तो इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा धन्यवाद